ईमान को रिस्क की जरूरत होती है, ईमान रिस्क से तकवियत पाता है, जैसे बदन रिस्क से तकवियत पाता है, ईमान रिस्क से तकवियत पाता है। और ईमान का रिस्क बदन के रिस्क से मुख्तलिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ईमान का रिस्क है, हुजूर की शरीयत ईमान का रिस्क है, हुजूर का इल्मे शरीफ ईमान का रिस्क है, हुजूर पे नाजिल होने वाली किताब पे अमल करना, उसकी तिलावत करना, उसके पैगाम का इबलाग करना, ये ईमान का रिस्क है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पे गामजन अमल होना, ये ईमान का रिस्क है। इससे ईमान तकवियत पाता है।